मेरा नाम महेश कुमार है जी और मैं बस स्टैंड के सामने रहता हूँ। ये मेरा घर है और ये मेरे घर के सामने दीवार है। काफ़ी समय से ये दीवार झुकी हुई थी और हमने रोडवेज प्रशासन को कहा कि अगर एप्लीकेशन भी दी थी कि आप ये अपनी दीवार दुरुस्त कराओ, कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और आज वो बड़ा हादसा हो गया है। 2-3 बच्चे जो कॉलेज में जाने वाले थे वो दीवार के नीचे दब गए हैं। उनको उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया है। और अब और ये बिजली का खंभा भी है, ये भी जो है जी सामने देखिए, हाँ बिल्कुल ही गिरने की कगार पे है। और भी हादसा हो सकता है। तो आज कितने बच्चे आ गए इसके नीचे? आज इसके नीचे 2 बच्चे आएंगे। 2 बच्चों को चोटें लगी हैं गंभीर और उनको ले जाया गया हॉस्पिटल। तो पहले आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ शिकायत दी थी? जी बिल्कुल, कंप्लेंट वगैरह दी थी आज से 20-25 दिन पहले, लेकिन उसके ऊपर रोडवेज ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने यही बोला कि हमने एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी है, वहाँ से कोई मैसेज आएगा तो भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इसमें अधिकारियों की कह सकते हैं भी बड़ी लापरवाही है जी? बिल्कुल जी, बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही जो है ये बहुत ही गलत हो गई है उन बच्चों के साथ जो यहाँ से डेली 24 घंटे चलने वाला रोड है, मेन गली है बस स्टैंड के साथ वाली, कॉलेज को जाती है IG कॉलेज को। और आज ये हादसा हो गया सुबह 10 बजे के लगभग। और ये दीवार पूरी गिर चुकी है, 150 से 200 फुट के करीब ये दीवार गिरी है। और बाकी भी अभी पेटी हो पड़ी है, वो भी कभी भी गिर चुकी है।